Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. In this video, we are going to talk about Gardner's Theory of Multiple Intelligence. Uh, we are asked some questions from uh, the theory of multiple intelligence. So we are going to cover this one. First is naturalist, special, and linguistic, interpersonal, interpersonal, logical or mathematical, bodily kinesthetic, and musical. हाउ व गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस परपोजिस दैट पीपल आर नॉट बॉर्न विद ऑल ऑफ़ द इंटेलिजेंस देवर है सो गार्डनर ने ये कहा कि जो लोग हैं वो जो भी इंटेलिजेंस उनके पास होती है वो अक्वायर्ड होती है और लोग उसके साथ में पैदा नहीं होते क्योंकि गार्डनर से पहले कुछ थ्योरीज थी जिसमें ये कहा गया था कि जी टाइप जनरल इंटेलिजेंस uh, होती है हमारे अंदर एंड uh, उन्होंने इसी थ्योरी को क्या किया था चैलेंज किया था टू प्रोडन दिस नोशन ऑफ इंटेलिजेंस गर्न इंट्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ तो अपनी थ्योरी को उन्होंने स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने आठ टाइप की क्या की थी एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई थी उसमें से हमने ऊपर भी देखा कि लॉजिकल होती है मैथमेटिकल होती है लिंग्विस्टिक होती है म्यूजिकल होती है स्पेशल होती है बॉडली किनेस्थेटिक नेचुरलिस्ट इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल गार्डनर नोटेड दैट लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल मॉडलिटीज आर मोस्ट आई वैल्यूड इन स्कूल एंड सोसाइटी गार्डनर ने ये बात कही कि जो लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो होती है उसे स्कूल और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है वैल्यू किया जाता है उसके बाद उन्होंने कई और तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी जैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस एंड मॉरल इंटेलिजेंस इनके बारे में भी उन्होंने बात की थी द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो उन्होंने दी थी वो अपनी एक बुक थी उनकी फ्रेम्स ऑफ माइंड नाइनटीन में पब्लिश हुई थी उसमें उन्होंने इसको प्रपोज किया था या उन्होंने इसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था Gardner developed a series of eight inclusion criteria while evaluating each candidate intelligence that was based on various scientific disciplines. So eight uh, uh, criteria criteria nikali eight intelligence, jo batai, sare candidates par is candidates uh, and then uh, he came to conclusion. He writes that we may have all these intelligence, but our प्रोफाइल ऑफ़ दिस इंटेलिजेंस में डिफर इंडिविजुअली बेस्ड ऑन जेनेटिक्स और एक्सपीरियंस और उन्होंने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि ये हमारे जेनेटिक्स का भी आ, हमारे इंटेलिजेंस पे फ़र्क पड़ सकता है या हमारे एक्सपीरियंस का भी फ़र्क पड़ सकता है और हमारे अंदर ये सारी इंटेलिजेंस एक साथ भी हो सकती है और अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग हो सकती है गार्डनर डिफाइंस इंटेलिजेंस एज अ बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल टू प्रो प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्टिवेटेड इन अ कल्चरल सेटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड और क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफ वैल्यूज इन अ कल्चर तो गार्डनर ने क्या कहा इसे बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल वर्ड यूज किया था इंटेलिजेंस के लिए फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो आता है आप लोगों का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या हम इनको कहते हैं वर्ड स्मार्ट वर्ड स्मार्ट का मतलब ये होगा कि जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है उसमें वर्ड uh, से रिलेटेड जो एक एक्सेलेंस होती है वो इंसान के अंदर होती है तो अगर हम बात करें कि जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है उसमें लैंग्वेज पे कमांड होगी एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज और कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज टू अकम्पलिश सर्टेन गोल्स तो ये क्या है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले इंसान की क्या होती है कैपेसिटी होती है पीपल विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस सच एज़ विलियम शेक्सपियर एंड ओपरा विनफ्रे हैव एन एबिलिटी टू इन एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग औरल और रिटन लैंग्वेज सच एज स्पीच बुक्स एंड मेमोस सो मेमोस सो हियर यू कैन सी दैट दे कैन बी अ गुड राइटर स्क्रीन प्ले राइटर एंड अदर थिंग्स तो क्या हो सकते हैं लैंग्वेज टीचर्स हो सकते हैं तो इस फील्ड में लिंग्विस्टिक्स uh, का हम बात कर सकते हैं पोटेंशियल करियर चॉइसेस की बात करें तो लॉयर हो सकते हैं स्पीकर एंड होस्ट ऑथर जर्नलिस्ट एंड क्यूरेटर लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर रीजनिंग स्मार्ट लोगों की लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रेफर्स टू कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली जिसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी वो प्रॉब्लम्स को uh, क्या कर सकता है लॉजिकली उनको एनालाइज़ कर सकता है कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेट सच इशू साइंटिफिकली पीपल विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस सच एज अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड बिल गेट्स हैव एन एबिलिटी टू डिवेलप इक्वेशन और प्रूफ्स मेक कैलकुलेशन एंड सॉल्व एबस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हम इसमें पोटेंशियल करियर चॉइसेस की बात करें तो मैथमेटिशियन हो सकते हैं अकाउंटेंट्स हो, है, uh, uh, हो सकते हैं and, uh, हो सकते हैं एंड साइंटिस्ट हो सकते हैं एंड कंप्यूटर एनालिस्ट हो सकते हैं नेक्स्ट इज स्पेशल इंटेलिजेंस फीचर पोटेंशियल टू रिकोगनाइज एंड द पैटर्न ऑफ वाइड स्पेस तो ये लोग क्या कर सकते हैं कुछ जो स्पेशल पैटर्न्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं जान सकते हैं उनके साथ में उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं तो स्कल्पचर्स हो सकते हैं सर्जनस हो सकते हैं चेस प्लेयर्स ग्राफिक आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स दीज आर दीपल हु हैव स्पेशल इंटेलिजेंस और हम इनको पिक्चर स्मार्ट भी कहते हैं पीपल विद स्पेशल इंटेलिजेंस एज फ्रेंक लॉयड एंड अमिलिया एयर हार्ड हैव एन एबिलिटी टू रिकोगनाइज एंड मैनिपलेट लार्ज स्केल एंड फाइन ग्रेंड स्पेशल इमेज तो ये यूजली पैटर्नस को बहुत अच्छा रीड कर सकते हैं करियर की बात करें तो इसमें पायलट हो गए सर्जन हो गए आर्किटेक्ट ग्राफिक आर्टिस्ट एंड इंटीरियर डेकोरेटर्स बिकॉज दे कैन रीड दे स्पेस प्रॉपरली दे कैन एनालाइज दे स्पेस एंड पैटर्नस प्रॉपरली बॉडली कनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इन्हें बॉडी स्मार्ट कहा जाता है बॉडली कनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज़ अ पोटेंशियल ऑफ यूजिंग वंस होल बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक द हैंड और द माउस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और फैशन प्रोडक्ट्स तो ये लोग क्या होते हैं कि अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से इनका कमांड होता है करियर्स कोड डोमिनेट यू कुड डोमिनेट विद योर बॉडली कैनस्थेटिक इंटेलिजेंस जैसे कि कुछ लोग uh, बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं ये एथलीट हो सकते हैं सर्जन हो सकते हैं मैकेनिकल मैक मैकेनिक बन सकते हैं कारपेंटर एंड फिजिकल थेरेपिस्ट म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो ये म्यूजिक स्मार्ट लोग इनको कहा जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस रेफर्स टू स्किल इन द परफॉर्मेंस कंपोजिशन एंड अप्रिशिएशन ऑफ म्यूजिकल पैटर्न्स तो कोई भी म्यूज़िकल पैटर्न से uh, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं इफ़ वी टॉक अबाउट पोटेंशियल करियर चॉइसेस सिंगर कंपोजर डी जे और म्यूजिशियन दे कैन बी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और वी कॉल दैम पीपल स्मार्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन वो इंटेंशन को बहुत अच्छे समझ सकते हैं मोटिवेशन एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर पीपल एंड कंसिक्वेंटली टू वर्क इफेक्टली इफेक्टिवली विद अदर्स ये लोग क्या करते हैं कि लोगों के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर काम कर सकते हैं सो दे कैन भी टीचर बहुत अच्छा जो टीचर है इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं मैनेजर सेल्स पीपल एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स ये बन सकते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या हम इसे कहते हैं सेल्फ स्मार्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ टू हैव एन इफेक्टिव वर्किंग मॉडल ऑफ वन सेल्फ इंक्लूडिंग वन डिज़ायर फीयर्स कैपेसिटीज़

इन द रिकोगशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूमरस स्पीसीज फ्लोरा एंड फोना और हिज और हर इन्वायरमेंट तो ये इन्वायरमेंट के बारे में चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं इनमें जो करियर हो सकता है दे कैन बी बॉटनिसिस्ट बायोलॉजिस्ट एस्ट्रोनर मीठियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट देन वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द रजिस्टेंस टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हैज़ कम फ्रॉम काग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोमेट्रिशियंस तो इसमें काग्नेटिव थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वी विल बी स्टडिंग इन नेक्स्ट चैप्टर काग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट सच एज वॉटर हाउस टू थाउजेंड सिक्स क्लेम दैट देयर इज़ नो इम्पेरिकल एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस तो ये हम अगर uh, बात करें कि जो एनालिसिस है और चीज़ों का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपके आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस की गार्डनर के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ये पूछा जाएगा कि ये जो इंसान है या पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है उसके अंदर इस तरह की कोई फीलिंग्स है या वो इस तरह की बात करता है इस तरह से खुद को एक्सप्रेस करता है तो उसको किस तरह से हम गाइड करेंगे या वो किस तरह की इंटेलिजेंस के कैटेगरी में फिट बैठता है तो जब हम ये चीज़ें अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे अपने आंसर्स में तो हम सही आंसर चूज कर पाएंगे तो होपफुली कि आपको पूरी एट टाइप की जो इंटेलिजेंस है वो क्लियर समझ में आ गई होगी एंड यू कैन चूज़ द राइट आंसर सी यू इन नेक्स्ट वीडियो